गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने 6.2 के सिक्स सम तक डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे और हम इस 6.2 को आज फिनिश कर देंगे। कल हम चैप्टर करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए, हमने कल सिक्स सम तक डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सेवन्थ सम। सेवन्थ सम है लेट एफ एक्स कोई भी फंक्शन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स को थोड़ा बीच में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, एंड थ्री एक्स प्लस टू फंक्शन है टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, एंड टू ए एक्स प्लस फाइव ए बी सॉरी फाइव बी फोर लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एट। इसमें इफ एफ इज कंटिन्यूज ऑन जीरो एट, एफ इज कंटिन्यूज ऑन क्लोज इंटरवल जीरो एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें बताया है कि जो ये हमारा फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल 0 to 8 पे कंटिन्यूज है, और हमें ए और बी की वैल्यूज बतानी है। अब आप इसमें देखो, जो ओपन इंटरवल होता है इसमें हमें 0 to 8 दे दिया, तो इस ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, यहाँ ये 0 है और जैसे ये 8 है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 0 और 8 इस नोड का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले भी कंटिन्यूस फंक्शंस में बताया था कि नोड का मतलब होता है कि जो 0 और 8 है वो इंक्लूड नहीं है, बाकी सारी बीच वाली जितनी भी डिजिट हैं वो सारे क्या हैं, इसमें ओपन ब्रैकेट में इंक्लूड हैं। तो जो हमारा फंक्शन है इस ओपन ब्रैकेट में सिर्फ 0 और 8 पे कंटिन्यूज नहीं होगा, इन बीच वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पे कंटिन्यूज होगा। और इस क्लोज इंटरवल का और इस इंटरवल का मतलब है कि 0 और 8 दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं, दोनों ही इंक्लूड हैं और बीच वाले सारे पॉइंट इसके अंदर है। तो इस फंक्शन का यही मतलब है कि जो ये फंक्शन है इसमें 0 और 8 पे भी कंटिन्यूज है, और इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पे ये फंक्शन कंटिन्यूज है। तो अब देखिए, हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, हमें x लेस देन 8 दिया हुआ है, बट x ग्रेटर देन 8 हमें कहीं भी गिवन नहीं है। इसी तरह हमें x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, पर लेस देन 0 हमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। तो हम सिर्फ कंटिन्यूटी कहाँ पे डिस्कस करेंगे, 2 और 4 पे डिस्कस करेंगे, और 2 और 4 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूज है क्योंकि 0 और 8 के बीच में 2 और 4 आता है। तो अब देखिए, x एट x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, जब x लेस देन 2 है तो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी है, और जब x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है तो हमारा फंक्शन क्या है, 3x प्लस 2 है। ये दोनों ही क्या है, पॉलीनोमियल फंक्शन है। तो आप लिख सकते हो कि दोनों ही बीइंग अ पॉलीनोमियल फंक्शन देयरफॉर, और पॉलीनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूज होते हैं। इसी तरह x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन 4 पे देखेंगे हम, x लेस देन 4 पे हमारा फंक्शन यही है 3x प्लस 2, और ग्रेटर देन 4 पे है हमारा फंक्शन 2ax प्लस में 5b। अब देखो, ये दोनों फिर से पॉलीनोमियल फंक्शन है और पॉलीनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूज होते हैं। तो x ग्रेटर देन 2 लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 4 लेस देन 4 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूज है। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे, पहले चेक करेंगे तो x एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखो, जब
एक्स लेस देन टू है तो फंक्शन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। पर यहाँ पे हम एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स को पुट करेंगे टू माइनस एच, एक्स को टू माइनस एच पुट करेंगे तो लिमिट हमारी क्या जाएगी, लिमिट जाएगी एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे हम टू माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस ए टू माइनस एच प्लस बी। यहाँ से हम h की वैल्यू पुट कर देंगे सीधा, तो ये क्या आएगा टू माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस ए टू माइनस ज़ीरो प्लस बी। तो यहाँ से ये तो ज़ीरो हो गया, टू का स्क्वायर फोर आया हमारे पास और ये आया टू ए प्लस बी। तो फंक्शन आया फोर प्लस टू ए प्लस बी आया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस ग्रेटर देन टू, एक्स ग्रेटर देन टू इस फंक्शन में है थ्री एक्स प्लस टू में। फिर हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, टू प्लस एच पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू टू प्लस एच पुट करेंगे तो लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो आएगा। फिर से वही कर रहे हैं, फिर थ्री एक्स की वैल्यू टू प्लस एच पुट की हमने प्लस टू, यहाँ पे एच की वैल्यू रख देंगे थ्री टू प्लस ज़ीरो प्लस टू, तो यहाँ से थ्री टू जस्ट सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट। राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई एट, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एफ टू पे, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक्स इज इक्वल टू टू इसी में है तो थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू, तो इसमें टू पुट करेंगे थ्री इंटू टू प्लस टू, थ्री टू जस्ट सिक्स और टू एट। यानी कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूज़ है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट को और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल रख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई, लेफ्ट हैंड लिमिट है फोर प्लस टू ए प्लस बी, हम इस तरीके से लिखेंगे इसको टू ए प्लस बी प्लस फोर इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट आई, और लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी फंक्शन की वैल्यू भी एट आई। तो यहाँ से टू ए बी, टू ए प्लस बी प्लस फोर इज इक्वल टू एट आया, और टू ए प्लस बी इज इक्वल टू एट माइनस फोर इज इक्वल टू फोर, ये टू ए बी इज इक्वल टू, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर, तो ये बनी इक्वेशन वन। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन वन आ गई, जब हमने लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू टू पर रखी, तो इस इक्वेशन को हम साइड में लिख लेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू फोर, तो ये बनी इक्वेशन वन। अब हम लिमिट चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू फोर पे, वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन और आएगी, फिर उन दोनों इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू निकाल देंगे। हमसे a और b की वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो एट x इज इक्वल टू फोर पे लिमिट लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर से वही करेंगे लिमिट x टेंड्स टू फोर माइनस, जब x की वैल्यू फोर से छोटी है तो फंक्शन क्या है 3x प्लस टू है, तो यहाँ फिर से हम x को पुट करेंगे 4 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो थ्री फोर माइनस एच प्लस टू। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे h की 0, तो 3 फोर जा 12 प्लस टू हमारे पास आया 14, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई 14। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो फंक्शन हमारे पास है 2ax प्लस 5b। तो फिर से लिमिट लेंगे x की वैल्यू को, 4 प्लस h पुट कर देंगे 2a 4 प्लस h प्लस 5b, तो यहाँ से सीधा एच की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस ज़ीरो प्लस 5b, तो ये आया 4 टू ज़ा 8a प्लस 5b। राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई 8a प्लस 5b। फिर फंक्शन की वैल्यू f4, x इज इक्वल टू 4 कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 4 यहीं पे है 3x प्लस 2 पे, तो 3x प्लस 2 यहाँ पे 4 पुट करेंगे 3 इंटू 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो हमारा फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को और फंक्शन की वैल्यू को तीनों को इक्वल रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई 14 इज इक्वल टू
राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, तो ये हमारी इक्वेशन बनी 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट चेक की थी, हमारे पास ये इक्वेशन आई, और एट x इज इक्वल टू 4 पे हमने लिमिट चेक की है तो हमारे पास एक और इक्वेशन आई है 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14, ये बनी इक्वेशन सेकंड। इसको हम एक बार रब कर देते हैं। अब हम a और b की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए पहले इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4 and eliminate, दोनों को eliminate कर देंगे। तो इसमें देखिए 4 to the 8 a plus 4 b is equal to 16 और 8 a plus 5 b is equal to 14, नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, cancel out, ये minus b is equal to 2, b की वैल्यू आई minus 2। b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू माइनस 2 इन 1 वी गेट, तो हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस b की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 बाय 2 3, तो हमारे पास a की वैल्यू आई 3 और b की वैल्यू आई माइनस 2। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूव दैट हमें दिया हुआ है प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 4 इज अ कंटिन्यूस फंक्शन हमने सबसे पहले एक फर्स्ट वीडियो में किया था कि जो मोड फंक्शन होते हैं हमेशा ही कंटिन्यूज होते हैं, क्योंकि जो मोड फंक्शन होता है उनका ग्राफ हमेशा इस तरह से जाता है, ये हमने पढ़ा था, और ये भी एक मोड फंक्शन है। तो हमें अब ये बताना है, हमें प्रूव करना है, ये तो हमें पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूज होता है हमेशा, ऑल मोड फंक्शन आर कंटिन्यूज, तो अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये मोड फंक्शन कंटिन्यूज कैसे है। तो हम सबसे पहले ये देखो कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 ले रहे हैं हम, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, यानी कि एट x इज इक्वल टू 4 पे हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, तो देखिए हमारा फंक्शन कैसे बनेगा, जब x ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4 है तो ये फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें x माइनस 4 रहेगा, और जब x लेस देन 4 है, x लेस देन 4 है तब ये फंक्शन क्या आएगा, माइनस x प्लस 4 आएगा, क्योंकि इस तरह से जाएगा x माइनस 4, तो ये माइनस x प्लस 4 बन जाएगा। और जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे, जब हम x की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो 0 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम अब हम यही चेक करेंगे किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे। देखो वैसे ग्रेटर देन 4 पे फंक्शन की वैल्यू एक्स माइनस 4 है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूज है, फिर एक्स लेस देन 4 पे ये फंक्शन क्या है, फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूज है। अब हम कंटिन्यूटी चेक किस पे कर रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 माइनस, जब 4 माइनस है तो x लेस देन 4 है, तो हमारा फंक्शन क्या है, x माइनस x प्लस 4 है। तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे हम,
और x की जगह पे वैल्यू क्या पुट होगी, 4 माइनस एच प्लस 4, तो h की वैल्यू पुट कर देंगे 4 माइनस 0 प्लस 4, तो यह आया माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0। राइट हैंड लिमिट में देखिए, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, और x ग्रेटर देन 4 कब, x माइनस 4 पे है, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस एच हो जाएगी, x की वैल्यू 4 प्लस एच पुट कर देंगे माइनस 4, और h की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 0 माइनस 4, तो ये फिर से आ गया 0। और फंक्शन की वैल्यू f4 पे क्या है, 0 है f4 पे। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई, और फंक्शन की वैल्यू भी 0 आई। तो देयर टेंथ सम में प्रूव दैट द फंक्शन sin x इज कंटिन्यूस, ये हमें प्रूव करना है कि sin x कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके राइट हैंड लिमिट लेके। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस sin x, तो इस लिमिट को h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और x की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, a माइनस h पुट करेंगे। तो अब देखो sin a माइनस h का फॉर्मूला प्लस वन क्लास में आप कर चुके हो, तो ये क्या होता है, sin a cos h माइनस cos a sin h, तो इसमें sin a की सेम रहेगा, cos h cos 0 बन जाएगा, माइनस cos a एज इट इज़ रहेगा, और sin h क्या बन जाएगा, sin 0 बन जाएगा। यहाँ से देखिए sin 0 0 होता है, ये सारी टर्म 0 हो गई, और cos 0 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या बचा, sin a बचा। अब है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस sin x, तो यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0 x की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस h, फिर से फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा, sin a प्लस h का, sin a cos h प्लस cos a sin h, तो यहाँ से फिर वैल्यू पुट करेंगे हम h की, तो ये आएगा cos 0 प्लस cos a, और ये आएगा sin 0। अब देखिए यहाँ पे sin 0 0 होता है, ये पूरी टर्म फिर से 0 होगी, cos 0 1 होता है, तो यहाँ फिर से बचेगा sin a, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, sin a आएगी। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल आ गए sin a, तो यहाँ से देयरफोर sin x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड कंटिन्यूस फंक्शन हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन था टेंथ, और इलेवेंथ क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब चलते हैं हमारे ट्वेल्थ क्वेश्चन की ओर। ट्वेल्थ क्वेश्चन में हमें कोस का मोड ऑफ कोस एक्स को कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है, कि मोड ऑफ कोस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, टू फंक्शन लेंगे, फिर उनका कंपोजिशन प्रूव करेंगे कि कंपोजिशन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये हमें पता है, हमने पिछले वीडियो में किया था। जैसे एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो हमने इस तरह से फोग एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला था, और गोफ एक्स को एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला था, और ये इनका कंपोजिशन ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसमें देखिए हम लेट करेंगे, जी ऑफ एक्स लेट करेंगे कोस एक्स, और एच ऑफ एक्स को ले लेंगे मोड ऑफ एक्स। हमने एच ऑफ एक्स क्यों लिया, जी ऑफ एक्स क्यों लिया, क्योंकि एफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी ये फंक्शन है, तो हमने जी ऑफ एफ एक्स और एच ऑफ एक्स ले लिए दो फंक्शन। तो अब आप देखिए जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है, तो कोस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमें पता है कंटिन्यूस फंक्शन है। और यहाँ से देखिए एच ऑफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन है ये भी। तो जैसे कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, ये हमने आपको बताया था, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से चलता है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है।
और जो मोड ऑफ एक्स है इसका ग्राफ इस तरह से होता है, तो ये भी कंटिन्यूस होता है, तो ये कोस एक्स का ग्राफ है और ये मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब इनका हम कंपोजिशन निकाल देंगे, तो कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब देखो हम निकालेंगे होग एक्स निकालेंगे, तो अब आप देखिए एच ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे इसको, और एच ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास कोस एक्स। तो अब आप देखिए एच एक्स की क्या वैल्यू है, मोड ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे एच ऑफ कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, मोड ऑफ कोस एक्स होगी। तो अब ये दोनों ही फंक्शन आपस में कंटिन्यूस है, इनका कंपोजिशन क्या आया, मोड ऑफ कोस एक्स आया। तो हम लिख देंगे सिंस जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफोर देयर कंपोजिशन, देयर कंपोजिशन मोड ऑफ कोस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।